एलआईसी पॉलिसी एक धोखा है। एलआईसी पॉलिसी में बहुत कम रिटर्न मिलता है। मैं एलआईसी कराकर पछता रहा हूँ। अब मैं दोबारा कभी भी एलआईसी पॉलिसी नहीं लूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एलआईसी पॉलिसी पर लगने वाले ऐसे आरोपों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। अक्सर एलआईसी पॉलिसी पर कुछ लोगों के ऐसे कॉमेंट सुनने या पढ़ने को मिलते हैं जिसे पढ़कर या सुनकर उनकी पीड़ा और गुस्से का एहसास भी होता है और मन में ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में एलआईसी पॉलिसी में इतनी कमियां हैं या ये सिर्फ कोई गलतफहमी है। दूसरी तरफ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स उन लोगों को भी परेशान करते हैं जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं या एलआईसी पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पॉलिसी होल्डर्स के आरोपों में सच्चाई है तो IRDAI एलआईसी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, और यदि पॉलिसी होल्डर्स को एलआईसी के प्रोडक्ट्स की सही जानकारी नहीं है तो उन्हें सही जानकारी देकर जागरूक क्यों नहीं किया जाता। कई लोग एलआईसी पॉलिसी में कम रिटर्न मिलने की बात करके इसका विरोध करते हैं और इसके स्थान पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड, प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सलाह भी देते हैं। अगर रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये बात सच है कि एलआईसी पॉलिसी से बाकी अन्य के मुकाबले कम रिटर्न मिलता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एलआईसी पॉलिसी लेने का प्रमुख मकसद सिर्फ हाई रिटर्न पाना ही होता है। वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस प्लान बीमित व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए होता है, ताकि बीमित व्यक्ति के ना रहने पर उसके परिवार को उसकी आय के रूप में जो आर्थिक हानि हुई है उसकी कुछ हद तक क्षतिपूर्ति की जा सके। किसी परिवार में कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को न केवल व्यक्ति की हानि होती है बल्कि आर्थिक हानि भी होती है। एलआईसी पॉलिसी इसी हानि से परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को कम करने का कार्य करती है। एलआईसी प्लान में सेविंग और रिस्क कवर दोनों के गुण होते हैं, जबकि अन्य इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क कवर का गुण नहीं होता। फलस्वरूप वहां इन्वेस्टर्स के रहने या ना रहने का मिलने वाले रिटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति 2,000 रुपए मंथली प्रीमियम पर 5 लाख के सम एश्योर्ड की एक एलआईसी पॉलिसी लेता है और दूसरी तरफ 2,000 रुपए मंथली किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP भी करता है, और यदि एक वर्ष पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एलआईसी मात्र 24,000 के जमा प्रीमियम पर सम एश्योर्ड की पूरे 5 लाख बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को देगी, और यदि एक्सीडेंटल डेथ हो तो 10 लाख दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो 24,000 के कुल जमा में पॉजिटिव रिटर्न मिला होगा तो कुछ पैसा बढ़कर मिल जाएगा, और यदि स्कीम ने नेगेटिव रिटर्न दिया होगा तो 24,000 से भी कम राशि वापस मिलेगी। इसी प्रकार अन्य जगह इन्वेस्ट करने पर भी कुछ प्रतिशत की ग्रोथ के साथ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी तरफ अगर गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक आदि की बात करें तो इनमें पॉजिटिव रिटर्न भी मिल सकते हैं और नेगेटिव भी। एलआईसी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाला रिटर्न पहली नजर में बेशक कम लगता हो, परंतु क्लेम आने पर कुछ हजार रुपए के जमा प्रीमियम के बदले एलआईसी से मिलने वाले लाखों रुपए की बराबरी करने की क्षमता किसी अन्य सेविंग प्लान में नजर नहीं आती। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस बाकी अन्य योजनाओं से अलग और बेहतर माना जाता है। वास्तव में एलआईसी की किसी और से तुलना करना ही गलत है, क्योंकि दोनों की संरचना में बहुत बड़ा अंतर है। अब जरा सोच कर देखिए, जब आप कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं तो परिवार के लिए पूरी व्यवस्था करके जाते हैं, लेकिन अगर अचानक हमेशा के लिए परिवार से दूर जाना पड़े तो आपके परिवार की जरूरतें आपका कौन सा रिश्तेदार लंबे समय तक पूरी करेगा? शायद कोई नहीं। इस परिस्थिति में परिवार को शुरुआती आर्थिक सपोर्ट देने का ये कार्य आपकी एलआईसी पॉलिसी करती है। इसलिए एलआईसी का फेमस स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। फिर भी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ना कराने की सोच रहे हैं तो ठहरिए, पहले एक बार अपने परिवार से तो पूछिए कि आप एक ऐसी व्यवस्था के लिए मना कर रहे हैं जो आपके ना रहने पर आपके परिवार को आर्थिक सपोर्ट देगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपने एलआईसी पॉलिसी लेने का कारण और इसके महत्व को सही प्रकार से समझ लिया होगा। अब आप एलआईसी पॉलिसी के रिटर्न की अन्य इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन बीमा पॉलिसी का उद्देश्य अलग होता है और बीमा कंपनी को कई पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम की राशि भी देनी पड़ती है, इसलिए हाई रिटर्न देना संभव नहीं होता। अगर फिर भी आपको अपनी पॉलिसी के प्रीमियम की राशि अधिक लग रही हो और आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एंडोमेंट या मनी बैक पॉलिसी के स्थान पर टर्म इंश्योरेंस लें। ये प्योर इंश्योरेंस प्लान होते हैं, इसमें सिर्फ रिस्क कवर मिलता है। इस प्रकार मैच्योरिटी ना होने के कारण इसका प्रीमियम भी बहुत कम होता है और बाकी पैसों को आप कहीं और इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न पा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें,
इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।